First of all, I want to wish a colorful and fun-filled Holi to all my viewers and subscribers. Those who have still not subscribed to my channel, please support and subscribe and hit the bell icon so that you can get the notifications first. In today's video, I'm going to talk about how to teach manners to your child. My name is Trilekha and you're watching Lottolearn. Never think your child is so small or so young to learn good manners. अच्छी आदतें सिखाने के लिए सही उम्र का इंतजार मत कीजिए। हम छोटे-छोटे बच्चों को प्ले स्कूल भेज देते हैं अनजान लोगों के बीच, तो फिर अच्छी आदतें सिखाने में ये क्यों सोचना कि अभी छोटा है या छोटी है? छोटी उम्र से ही अच्छी या बुरी आदतों को बच्चों को बताएंगी तो बड़े होते होते बच्चे संभालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं तीन अच्छी आदतों के बारे में बात करूंगी। शेयरिंग, बड़ों का आदर करना और पब्लिक प्लेसेस पे ठीक से बिहेव करना। यू नीड टू बी लिटिल ट्रिकी टू टीच योर चाइल्ड शेयरिंग। अगर आपका बच्चा 4 या 5 साल का है या उससे बड़ा है और आपके बार बार समझाने पर भी वह शेयर नहीं करना चाहता, तो आप ये ट्राई कीजिए। अपने बच्चे की किसी फ्रेंड की मम्मा, जो कि आपसे क्लोज हो, उनकी हेल्प लीजिए। उनसे कहिए कि वो कुछ टॉयज लेकर अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ खेलने भेजें और उससे कहें कि सिर्फ कुछ दिन वो आपके बच्चे से टॉयज शेयर ना करे। और जब आपका बच्चा आपसे शिकायत करे तो आप उसे समझाएं कि अगर आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो आपसे भी कोई शेयर नहीं करेगा। उसे समझाएं कि जो मजा सबके साथ मिलके खेलने में आता है, वो अकेले खेलने में नहीं आता। सबके साथ खेलने के लिए शेयर करना जरूरी होता है। सबसे अच्छा है कि बच्चे को 2 साल की उम्र से ही शेयर करना सिखाना शुरू कर दें। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, इसके लिए सबसे पहले तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप अपने घर की मेड या वॉचमैन से ठीक से बात नहीं करेंगे तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सबसे ठीक से बात करें? बच्चे की टीचर के बारे में कभी भी उनके सामने कुछ गलत ना कहें। फ़ोन पर बात करते वक्त हम भूल जाते हैं कि कोई हमें सुन रहा है। बच्चे अपने दिमाग में सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बच्चों के सामने जैसे आप बड़ों के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही वो सीखेंगे। बचपन में जब घर पर कोई मेहमान आते थे तो हमसे कहा जाता था, बेटा नमस्ते करो, और नहीं करने पर हमें डांट भी पड़ती थी। आज नमस्ते की जगह हेलो ने ले ली है, पर हम चाहें तो आज भी ये संस्कार बच्चों में डाल सकते हैं। हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। कुछ बच्चे पब्लिक प्लेसेस पे जोर जोर से रोककर पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। अगर बच्चा प्यार से समझाने पे इस बात को नहीं समझ रहा और जिद किए जा रहा है, तो सबके सामने गाल पर हल्के से छू दें। उन्हें यह एहसास कराना है कि जरूरत पड़ने पर यह भी किया जा सकता है, उन्हें पीटना नहीं है। अगर उनको यह समझ आ गया कि आपको लोगों की परवाह नहीं है, तो वो आगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उनसे कहिए कि अगर आपने सबके सामने मिसबिहेव किया तो पनिशमेंट भी सबके सामने मिलेगी। अगर आप कहीं रिसेप्शन पर हैं किसी पब्लिक प्लेस पर और आपके बच्चे बार बार मना करने पर भी सोफे पर जंप किए जा रहे हैं, तो चुपके से वहां के गार्ड या मैनेजर को बोलकर डांट पड़वा दीजिए। कभी कभी बच्चों को कुछ सबक देने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। Thanks for watching me. If you like this video, subscribe to my channel and don't forget to like it.